फिर से आइसक्रीम लेकर आ गई। हाँ पे पढ़ेंगे ना तो चलो प्यारे लग रहे दोनों, और मुस्तफा तो मम्मा का शहजादा लग रहा है। अच्छा, और ये हमारी ये बैल्कनी की सारी साफ सफाई, यहाँ पर आज कारपेट लगेगा तो ये सारा धुल जाएगा। ये देखो गमले चेंज हुए ना तो सारा मट्टी मट्टी हो रहा है। गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो ये देखो हमारी बैल्कनी आज साफ सुथरी हो गई है, धुल के बिल्कुल रेडी। ये नोबिता कभी भी साफ नहीं रहने देगा। नोबिता ये आपके लिए बनवाई है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? और देखो मम्मा ने भी आज व्हाइट सूट ही पहना है, हम दोनों की मैचिंग हो गई। पापा ने भी तो व्हाइट पहना है, आज जो है ना हम तीनों ने व्हाइट पहना है, मैचिंग हो गई है। चलो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी तो देखे, स्ट्रॉबेरी कितनी हो गई है ना स्ट्रॉबेरी। अभी मुस्तफा लाल लाल होना शुरू हो गई, ये तो पूरी लाल हो गई है, ये देखो पूरी पक गई है ये नीचे वाली। और देखो ये नीचे साइड पर भी हमारे ये वाले नए गमले हैं, ये जो नए पड़े हैं यहाँ। मम्मा तो ऐसे फेंक रही है। ओ मम्मा नहीं नहीं कटेगा, जोर जोर से इतना जोर से भी मत दो कि मैं नीचे ना चली जाऊँ। पता नहीं धूप में जैसी भी आ रही है। आया जुमा मुबारक, बोलो खैर मुबारक। आप सब कहाँ जा रहे हैं साथ में? ये कहाँ जा रहे हैं साथ में? नहीं नहीं पर भाग जाएगा, हम रोजा अफ्तार कराएंगे और भाग ना जाए। चलो मुस्तफा जी 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 चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, और आज है माह रमजान का तीसरा जुमा, आप सबको मुबारक हो। कल से ही हमने ये सारा प्लान किया था कि आज ना 200 लोगों को हमने रोजा अफ्तार कराना है, तो बस उसी के लिए नमाज अदा करने के बाद अभी हम सब जा रहे हैं, रेडी हो गए। खाने का जो है ना हमने बाहर से ऑर्डर कर दिया था, पुलाव है पता, उसके साथ मुतंजन है मीठे में, और बाकी फ्रूट्स हमने बाहर से ले लिए, और शरबत भी हम वहीं पर खुद ही बनाएंगे, फ्रूट भी खुद ही कट करेंगे। बस जो खाना है ना वो हमने बाहर से ऑर्डर किया, वो भी उसी टाइम तकरीबन आधे घंटे 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 तक वो भी वहां पर पहुंच जाएगा। ये क्या छुरियां उठा ली? कितनी उठाई है? तीन है। चलो बारिश के बाद ना अंदर की हालत देखो, गाड़ी जब बाहर से आती ना ये, वैसे ये मैंने काम किए, ये गाड़ी के टायर ना मैंने गंदे किए थे, इस वजह से ये हालात हो गए अंदर। चलो देखो मेरी मेहंदी का कलर देखो, अभी ना हम तीनों ने नहाया है तो शैम्पू में बार बार हाथ मारने से भी ना मेहंदी का कलर जल्दी निकल जाता है। जैसे तैयबा आयत को नहलाया, फिर मैंने बार बार शैम्पू में हाथ मारती रही हूँ ना, और बार बार शैम्पू में से हाथ मारते रहो ना, तो फिर ये कलर जल्दी लाइट हो जाता है। कौसर को नहीं बोला? फिर मैंने बोला था, वो कह रही मैं अब ना हर जगह पर बस मुझे काली गाड़ियां दिख रही हैं। ये देखो हर जगह पर ना मेरी ब्लैक गाड़ी पर नजर है, बता रही हूँ मैं कौन सी ले रही हूँ। वो देखो दो गाड़ियाँ और ब्लैक जा रही है, बल्कि तीन जा रही है। येलो गाड़ी पर रात में जो ना इतना जल्दी मैं रास्ते नहीं सीख पाऊंगी, मैं यहाँ पर पता ही नहीं था। जैसे सुहाना यहाँ पर आम लगा होता है ना, इसी तरह से यहाँ पे कचनाल भी देखो, ये पूरा जो ट्री है ना ये कचनाल का, जो हम गांव से लेकर आते हैं, और ये इतना महंगी बिकती है ना, जैसे अब यहाँ से दिख ही नहीं रही, धूप बहुत ज़्यादा है। चिकन महंगा बिकता ना वैसे ही ये होती है, और अभी गाँव से आई थी ना हमने पकाई थी, पर्पल कलर के फूल होते हैं पूरे एक साल बाद हमारे घर पे, इस दफा पके। पता होता ना कि यहाँ पर इतना लग गया तो तोड़ लाते, पता नहीं यहाँ के लोगों को पता भी है या नहीं। के पास भी बहुत है, वहाँ पे भी लगी हुई है। अच्छा फिर मुझे लगा यहाँ पे घड़ी इतने होते हैं, फिर मैंने क्या क्या अभी तो कह रही हो ना कि मुझे याद है ये, हाँ। ये भी याद हो गया, वो भी याद हो गया। अच्छा फिर अकेले निकलेगी, बोलेगी मुझे तो कुछ याद नहीं। जब हम आएंगे ना वापस तो फिर देखेंगे, कोशिश करेंगे। चलो पहुँच गए, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, दस्तरखान लग भी गए, लग रहे माशाल्लाह। ये पैसे सेव कहाँ करता है? छोटी की दिल है गुड़िया, कब से पूछ रही है ताहिरा सिस्टर, ताहिरा सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम। साइड पर ये देखो ये सारे बर्तन भी आ गए हैं, सारा इंतजाम यहाँ पर पहले से ही करके बैठी हुई थी ताहिरा सिस्टर, और इसमें अभी चीनी घोलेंगे, पानी वानी बनाएंगे। ये सारे क्रेट ये ग्लास के हैं, पूरे 200 ग्लास लेकर आए हैं ताहिरा सिस्टर, ये पूरे 200 ग्लास ले आए हैं। अच्छा प्लेटें 400 हैं, ग्लास 200 होंगे। आपको तो टैंग अच्छा लगता है ना ये जामे श्री? टाइम लगेगा फ्रूट काटते काटते, चले बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से फ्रूट काट कर रहे हैं, तो और यहाँ पर शरबत बनना शुरू हो गया। शीरा एक भी बना लेंगे ना, फिर थोड़ा डिवाइड कर लेंगे, ये वो तरीका सारा ठीक है। चलो ठीक है, के सामने बता रही हूँ कि जरा भी अगर डॉज दिया, कभी धोखा दिया उन्होंने सितारा को,
सीधा पर ये बात ही है, सीधा सीधा रास्ता बता भी जिंदगी में जैसे बाकी ने धोखा दिया। नहीं नहीं फराज कभी नहीं धोखा देगा। सरफराज अभी कितना टाइम रहता है? एक घंटा रहता है। मौसम कितना ठंडा हो गया, मौसम देखो इतना प्यारा हो गया, ठंडा ठंडा। बनाना सबसे पहले काट लिए। वैसे आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, लगता है ये बारिश ने जान नहीं छोड़ने भी, एक और दो तीन बारी और भी होगी। सही बात, ले आती ना अपना चिराग यहाँ पर रखती, बीच में इतना बड़ा दस्तरखान लग रहा है आज। बेटा कबूल करे, अल्लाह मेरी बेटी को खुश रखे। तो गाइस अभी हमारी देगे आ गई हैं, उनके साथ इरफान अंकल भी आ गए हैं, देगे लेके। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा मौसम है, ठंडा हो गया। कल भी शाम के टाइम ही बारिश शुरू हुई। मैं पुराने एयरपोर्ट पे ही था तो मैं जल्दी जल्दी फील्ड में उठा लो, छोड़ो। सब हेल्प में लगे हुए हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। फ्रूट्स हम सब ने मिल के यहाँ पे कट कर दिए। आपने बनाना कट किए हैं, ताहिरा सिस्टर एप्पल कट कर रही हैं। यहाँ पर ये कट हो रहे हैं। बाकी पहले देखो यहाँ पर दस्तरखान लगा है, फिर यहाँ पर प्लेट्स लगे हैं, उसके बाद एक एक चम्मच रखना शुरू किए, और अभी देखो एक एक ग्लास यहाँ पर लगना शुरू हो रहे हैं। एक एक चम्मच जो है भर भर के डाल भर के, क्योंकि हमने जर्दा भी इसी में डालना है, इसमें सब फ्रूट्स भी डालना है। अच्छा जर्दा भी इसी में आएगा। हाँ थोड़े डाल। इतना ज़्यादा खुशी हो रही है, दिल को इतना अच्छा लग रहा है कि अल्लाह पाक इतना दे के हर रोज ना हम रोजा इफ्तार करें। अभी तैयबा भी आ गई है, तैयबा को भी बहुत ज़्यादा शौक है। हाँ बस इतना ही, चार या पाँच पीस ऐसे हूँ। आ जाओ आप बाहर आ जाओ, आपकी भी बारी आएगी। तैयबा एक चम्मच डालने दो इसको भी। अच्छा ठीक है करो। डालने हाँ आराम से डालो, आराम से बस। गुड गर्ल। तो लेट हो जाएगा, देखो सब आना भी शुरू हो गए। कितना आधा घंटा रहता है तो शाबाश, तैयबा भी हेल्प में लगी हुई है। गुड गर्ल। और इस साइड पर हमारा खाना भी खुल गया है, आधे घंटे से अभी कम टाइम रहते हैं। ये जर्दा, अच्छा ये हो गया, पुलाव हो गया, और ये इस साइड पर ये जर्दा हो गया। जर्दा यहाँ आए, इस साइड पर है जर्दा। तो इस साइड पर देखो माशाल्लाह से काफी लोग जो है ना जमा हो गए हैं, बस अभी एक ये वाली लाइन बच गई है, बाकी जो पिछली दो थी ना दस्तरखान वो तो फुल हो गए। आप इस साइड पर आ जाओ। और माशाल्लाह से ये सब कुछ देख के ना दिल को इतना सुकून मिल रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि अल्लाह मुझे इतना अता करना कि मैं हर रोज ऐसा रोजा इफ्तार करूँ। और सब जो है ना सारे मिलजुल के सब इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इरफान भाई भी देखे आ गए हैं, और ताहिरा सिस्टर भी अपने घर से सारे ड्राइवर जो भी उनके काम वाले थे सब लेकर आई हैं, तो सारे मिलजुल के कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जर्दा भी नहीं आया, बस जग ये तो थोड़ा सा बचा है। अच्छा ले ले, यहाँ वहाँ पर है, इस साइड पर है। यार ये पानी तो देना जरा डाल। थक गई आज, थक गई, ये मुझे दे दे, जामे श्री वाला। आयत की इफ्तारी सबसे पहले होती है। देखो यहाँ से ये गुब्बारे लेके भाई जा रहे थे, इनको भी हमने बुला लिया कि आप भी आज हमारे साथ रोजा इफ्तार करो। तो यहाँ आसपास वाले जितने भी सारे काम वाले थे ना सब यहाँ पर आए हैं, और इस तरह से माशाल्लाह हमारा पूरा दस्तरखान ना फुल हो गया। अभी ये साइड थोड़ी सी बच गई है, गए हैं इस साइड पर, हमारी जगह नहीं बची, तो हम ये साथ में चादर जो लाए थे ना यहाँ पर हम अपना दस्तरखान बिछा रहे हैं। खाना पूरा हो जाएगा, खाना बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। देखे यहाँ पर पूरे दस्तरखान में सारा सबको खाना भी जा चुका है, पानी भी जा चुका है, फ्रूट्स भी, और काफी सारे अभी भी पानी भी बचा हुआ और खाना भी बहुत है, हो जाएगा पूरा जी। खाला के साथ बैठना, वहाँ से आओ, इसको देखो बैठना है ताहिरा सिस्टर के साथ। मिल गई जगह,
अल्लाह पाक ने ना बरकत डाली है, काफी सारा अभी भी बचा हुआ और सबको जो है ना अभी बच्चे गरीब खा रहे हैं। यहाँ पर जितने सारे सारे यहाँ के लोग मजदूर थे, आस पास के जो भी काम वाले थे ना, उन सबको हमने कल से बोला था कि यहाँ पर रोजा इफ्तार करना है, तो जितने भी यहाँ आस पास के सिटी के थे ना सारे आए। हाँ टाइम क्या हो रहा है, कितना टाइम रहेगा? और देखो साथ में ना ये नान भी, लोबिया और ये भिंडी का सालन आया ताहिरा सिस्टर की घर से। ये बोतलें कोई भी हाँ। पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा रोजा अफ्तार हो गया माशाल्लाह, बहुत अच्छा और दिल को सुकून मिला। प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी तो काफी अंधेरा हो गया, हर एक चीज यहाँ से पैक करके सब ले गए। मैं बनाती हूँ चाय। इतनी सारी इलायची लेकर बस ये काफी। वो छोटा वाला इधर मत लेकर आना, इधर मत लेकर आना। ये लो पत्ती, ये लो चीनी। जहाँ पे हमने रोजा अफ्तार किया ना वहीं पर हमारी चाय भी बन रही है। ये बर्तन चाय के हर एक चीज, सिलेंडर सब कुछ आया हुआ है। ये सही की है, फिर भी हवा तो आ रही इधर से। हवा बोल रही है कि आपने कितने महीने पहले चाय पी? 6 महीने पहले सितारा की चाय पी थी। 5 महीने हो गए। हाँ बस सारे रास्ते बंद करो ना। हाँ आप जल्दी बने। आवाज को बंद कर दिया, फिर बननी। तो अभी चाय में बॉयल आ गया है। अब सही से आ रहा है। कितना देर पकेगी और? बस 5 मिनट। जल्दी बन रहा है। चाय जितना ज्यादा पके ना उतना ज्यादा मजे की बनती है। रोजे के बाद ना, रोजा अफ्तारी के बाद बिजली चमक रही थी। अब देखो ना बादल हट गए, बादल सारे हट गए। उसके बाद अंधेरा कितना ज्यादा हो गया कि बस अभी बारिश हो जाएगी। मौसम पे कोई इतबार ना करना, बात का मौसम किसी भी टाइम आपको धोखा देगा। ये धोखे वाला मौसम ही हमें बहुत पसंद है। मौसम यार ने जोया की शादी में बोला मेहंदी पे कुछ नहीं है, कोई वो नहीं, बारिश नहीं है। अच्छा, एंड हमने पूरा सजावटें की हुई है, बारिश लग पड़ी। हमारा गैस भी खत्म हो गया और चाय का कलर देखो कितना प्यारा है। अभी वैसे एक बॉयल और आ जाता ना तो और सही से बन जाता। ये भी काफी है। चावल ठीक बने थे, बहुत मजे की चीजें। चावल बहुत अच्छे बने इरफान भाई। मैं ये नोट किया कि हर चीज डाली हुई थी, गुलाब जामुन भी देखे मैंने। हाँ गुलाब जामुन, वो तो मैंने उसका खुद कह के डलवाए। गुलाब जामुन थे, बादाम थे और सारा कुछ उसने डाला। हमें कभी कोई रास्तों का कोई जगह का पूछना तो इरफान भाई से पूछते हैं। आप तो गई हुई होंगी। ये ले ले थोड़ी कम रखी है ना, पता नहीं इतनी देर से मैं बोल बोल के फोन में बिजी हो गए। अब नहीं दूंगी चाय आपको। नहीं, इतनी देर से बोलती रही, मैंने कहा चाय ले ले, चाय ले ले। बस किसी का मैसेज आ गया था, वो सुन रहा था। ये बीच रास्ते में ऐसे किसी का मैसेज आ जाए ना, फिर हमारी बात नहीं सुनते। ऐसे सीधा करके नहीं रखना, ऐसे थोड़ा सा मोड़ के देखिए पूरा कल दे देगा। सारे गिफ्ट के लिए ना यहाँ सारी ये बास्केट हमने ले लिए और अब ये फ्लावर सिंपल ये इस तरह करके ठीक है। और ऐसा फ्लावर बन इसको पहले आपस में गिरा कर लीजिएगा। अच्छा पहले इसको बांध देना ताकि ये खुले ना। पकड़ो गाड़ी में ड्राइव करने वाले मोबाइल। चले बैठ, सीट बेल्ट बांध लो अपने अपने। अरे मुसलमान बहन भाई ये प्लीज सीट बेल्ट बांध लीजिए, ब्रेकों का कोई आसरा ना कीजिएगा। अगर अपनी जान प्यारी है तो मेरे साथ दुआ मांग लीजिए। ए अल्लाह ताला हमें वक्त पर रद्द दे, ए अल्लाह ताला हमें गाड़ी में बैठने की तौफीक दे। गाड़ी में तो बैठे हो तक नहीं, हमें गाड़ी के अंदर सही सलामत घर पहुँचाने की तौफीक दे। इतना प्यारा है और ये मस्जिद कितना खूबसूरत बनाई है। आप देखो सामने का व्यू यहाँ से कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये देखो, नहीं नहीं मम्मा अच्छी गाड़ी चलाती है भाई। यस से बैठी रहती मैं आराम से भाई। आगे चेक पोस्ट है, आराम से चल। सही सलामत मैं सबको वापस ले आई हूँ घर पे। यहाँ बाहर अभी गाड़ी फिलहाल खड़ी करेंगे। इसकी गन पे एक बबल होती है, जैसे इसमें बच्चे खेल सकते हैं बबल से। यही होती है बबल।
मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रही हूँ कि जैसे हम वहाँ से वापस आए ना, उसके बाद देखो बारिश अभी शुरू हुई है। जैसे हमने अपना रोजा सबको इफ्तार करा लिया, देखो बारिश भी इतना तेज शुरू हो रही है, और इस तेज हवा और तेज बारिश में ना मेरे हस्बैंड भी देखो अभी निकल रहे हैं, अभी जा रहे हैं अपने दूसरे घर। इतना ठंडा मौसम हो रहा है ना कि मुझे सर्दी लग रही है, यहाँ पे बहुत तेज बारिश होती है। आगे थोड़ा सा जाओ ना, क्योंकि यहाँ ना बीच में कपड़ा है, तो हल्की हल्की बारिश यहाँ पर मेरे ऊपर आ रही है, और थोड़ा सा आगे जाओ ना तो बारिश इस टाइम बहुत ज्यादा तेज हो रही है, कपड़े की वजह से थोड़ा सा कम आ रही है। और देखो मेरे हस्बैंड इतनी तेज बारिश में अभी निकल रहे हैं, ये गए। किस चमक रही है, हवा चलना शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब मैं चुपचाप जो है ना यहाँ से बैठ जाती हूँ, यहाँ से ही मौसम एंजॉय करते रहते, क्योंकि बारिश फिर से एकदम तेज शुरू हो गई है। इतना प्यारा लग रहा है हरियाली में, देखो डर है, डर है, भागो बारिश हो रही है, भागो रविता, भागो बारिश हो रही है, भागो। अंदर अभी ये भाग गया, मासूम बच्चा है मेरा, मासूम बच्चा सारा गीला होके आ गया। प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही कि मैं आपको बता नहीं सकती, ऐसा सुकून मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि जब मैं कराची में थी ना, अभी फिर से बारिश तेज शुरू हो गई, जब मैं कराची में थी और वहां से जब मैंने कराची छोड़ा था ना, मेरा दिल काफी उदास था, मतलब एक कश्मकश में मैं थी कि पता नहीं वहां पर जा रही क्या होता है, दिल लगता है नहीं लगता। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ ना, वहां से यहाँ पे मेरी हेल्थ बहुत बेटर हुई है, बहुत बेहतर हुई है। वहां मुझे ऐसा था कि होता है अंदर बैठ बैठ के, यहाँ पर ये है कि आपको हर एक चीज़ फ्रेश मिलती है, यहाँ पे जैसे दूध फ्रेश मिलता है, यहाँ पे जैसे पानी यहाँ का फ्रेश है, कराची में पानी की कमी है। इसके अलावा मौसम आप देखो, यहाँ पर मौसम हर टाइम इतना प्यारा है, इतना अच्छा रहता है कि इससे ना तबीयत बहुत फ्रेश हो गई है। वॉक कर सकते हैं, बाहर पार्क हैं, खुली खुली जगह हैं, बड़े बड़े रोड हैं, निकल जाओ आराम से, साफ सुथरा माहौल है यहाँ पर। और दिमागी तौर पर भी ना हमें सुकून की ज़रूरत होती है कि हमारा दिमाग भी रिलैक्स हो, वो सब यहाँ पर आकर ना मैं बहुत रिलैक्स हुई हूँ। वरना एक नए शहर में जहाँ पर आपको कोई जान पहचान ना हो, नए नए आप शिफ्ट हो, मुश्किल होता है दिल लगाना। अगर ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों की सहूलत मुझे ना मिलती तो शायद मैं फिर ना रहती, शायद फिर मैं कराची वापस चली जाती। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बहुत बेहतर हुई है मेरी यहाँ आकर। रखिएगा ढेर सारा ख्याल, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।